गुड मॉर्निंग। आप लोग ये वीडियो देखने के पहले थोड़ा से मेरी बात को ध्यान से सुने। वीडियो देखते समय अपने नाम के साथ अपनी अटेंडेंस अवश्य पहली चीज। दूसरा, अगर वीडियो में आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मुझे नंबर पे पर्सनली कॉल करके बाद में पूछ लें, ठीक है? नाउ स्टार्ट फ्रॉम फर्दर। पिछले वीडियो में आपने पेज नंबर 11 पर प्रोस सेक्शन में देखा कि किस तरह से लेखक अपनी दादी के साथ में रहा अपने माता पिता के यहाँ, और किस तरह से उसकी दादी को उसके साथ में जो उसकी मित्रता थी उससे दूर होना पड़ा और अकेले में पक्षियों को दाना चुनाने का काम शुरू किया। आगे देखिए, लेखक कहता है, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। लेखक जब आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था, विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जा रहा था, लेखक कहता है, व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने निश्चय किया टू गो, जाने का, अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की शिक्षा को, आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अब्रॉड माने दूर। लेखक कहता है, जब मैंने दूर जाकर आगे की शिक्षा को लगातार अनवरत बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए निश्चय किया, लेखक कहता, आई वॉज श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास था, मैं निश्चिंत था, इस बारे में आश्वस्त था कि माय ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी मेरे इस फैसले से उदास हो जाएगी। देखिए ध्यान ने, दो व्यक्ति आपस में अत्यधिक विश्वास के साथ में प्रेम रखते हैं, भले ही वे एक दूसरे से न मिल पा रहे हो, न बात कर पा रहे हो, लेकिन अगर उन लोगों में से किसी एक को अपने से दूर होने का न्यूज मिलता है, समाचार मिलता है, खबर मिलती, सुनने को मिलता है, तो बहुत अधिक उदासी आती है। उस समय का जो दुख होता है वो व्यक्त करने योग्य नहीं होता, न तो वो किसी से व्यक्त कर सकता और न तो अपने आप में छिपा सकता। तो लेखक कहता, मैं जानता था कि मेरी दादी की क्या हालत होने वाली थी, वो कितना उदास होने वाली थी, दुखी होने वाली थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। लेखक कहता, मैं उनसे 5 वर्ष के लिए दूर होने वाला था, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उनकी जो उम्र थी, उस उम्र में कोई भी व्यक्ति हो, इतने आसानी से उससे ये नहीं बताया जा सकता, मैं आपसे इतने वर्ष के लिए दूर होने वाला हूं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी दादी माने जब उनको मालूम चला तो उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल। यहां तक सेंटीमेंट मीन्स होता है सनक सवार। उनको भाई होता क्या है कि या तो व्यक्ति के दिमाग में बहुत क्रोध आ जाए तो उसके विचारों का जो प्रवाह होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और सडन तीव्रता से विचार बढ़ने लगते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे, या विचारों का आदान प्रदान या प्रवाह इतना धीमा हो जाए कि वो अपने विचारों को व्यक्त न कर सके, उसको भी सेंटीमेंट कहते, सनक कहते। लेखक कहता, शी वाज नॉट इवन सेंटीमेंटल, मेरी इस बात को जानकर वो जरा सा भी उनमें क्रोध नहीं आया, जरा सा भी उनके विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंजमेंट इन देयर थॉट, इन हर थॉट्स। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, किंतु उन्होंने किसी भी तरह की भावना का, दुख का या दुखपूर्ण वार्ता का प्रदर्शन नहीं किया। होता क्या है, जब कोई किसी से महरूम होता है, अलग होता है, दूर हो रहा होता है, अगर आप उससे
थोड़ा भी जुड़ाव रखते हैं तो आंतरिक कष्ट होता है। लेखक कहता है कि वो मुझसे अत्यधिक गहराई से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई उस समय भी उन्होंने जरा सा भी भावनात्मक दुख का प्रदर्शन नहीं किया। लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे वो प्रार्थना के लिए चल रहे थे, जैसे अक्सर चला करते थे प्रेयर ईश्वर की वंदना के लिए। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मस्तिष्क था, उनके दिमाग की जो सोच थी, वो उसी प्रार्थना में लगी हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी ईश्वर की प्रार्थना करते समय जो उंगलियों को वो चलाती रहती थी, उसी तरह चलाने में मग्न थी। कंटिन्यू मूविंग साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। फोरहेड मीन्स माथा, किस्ड माने चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं उनसे दूर हुआ उस समय जैसे ही उन्होंने मेरे माथे को चूम कर मुझे दूर किया, I cherished the moist means होता है नमी, imprint as, लेखक कहता है मुझे मेरे मस्तक पर उनके द्वारा चूमे जाने पर कुछ नमी महसूस हुई। चूमते हैं तो चूमने के साथ साथ उस स्थान पर लेखक कहता मुझको एक नमी महसूस हुई। एज परहैप्स द लास्ट टाइम ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, जैसा कि भौतिक रूप में मेरे साथ या हम दोनों लोगों के साथ में ये अंतिम प्रतीक था, मिलने का अंतिम प्रतीक था। किस रूप में? उस नमी के रूप में। नेक्स्ट पैसे देखिए, बट दैट वाज नॉट सो, लेकर कहता है किंतु यही समापन नहीं होने वाला था, इस कहानी का अंत यही होने वाला नहीं था, इसके आगे की भी कहानी है। After 5 years I came back home, 5 वर्ष बाद मैं घर वापस लौटा, and was met by her at the station, और उनसे पुनः स्टेशन पर ही मिला। उम्र दराज होने के बाद, अधिक उम्र होने के बाद लेखक को उम्मीद नहीं थी कि ये शायद मिल सके, ये आंतरिक उसकी जो अभिलाषा थी। लेकिन लेखक कहता कि जब मैं वापस लौटा 5 वर्ष बाद, तो फिर मैंने उनको स्टेशन पर रिसीव करते हुए She did not look any older. लेकर कहता जब मैंने उनको स्टेशन पर देखा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक भी दिन आगे की उम्र में वृद्ध नहीं हुई, यानी उनकी उम्र में जरा सा भी ढलान नहीं आया। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. लेकर कहता इस समय तक स्टेशन पर आने के बाद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। एंड व्हाइल, और उस दौरान शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उसी बीच में उन्होंने अपनी बाहों में मुझे भर लिया। और लेकर कहता जिस समय उन्होंने अपनी बाहों में मुझे लिया, मैं उनके मुख से निकलने वाले शब्दों की सरसराहट को आसानी से कान में सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज हूम शी फेड लॉन्गर एंड विद द फ्रिवोलस रिब्यूक्स। लेखक कहता है इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल, मेरे प्रस्थान से, मेरे प्रस्थान के पहले दिन से, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो, उन्होंने अपने प्रसन्नता के क्षण, खुशी के पल उन्हें गौरैया के बीच में गुजारे। होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स,
जिनके बीच में, पक्षियों के बीच में दादी ने जो पल गुजारे, उनको लंबे समय तक कंटिन्यू रखा, उनको लंबे समय तक भोजन कराती रही, लंबे समय तक रोटियां, रोटियों के टुकड़े उनको खिलाती रही, एंड विद फ्रिविलस रिब्यूक्स, और उनको डराने के लिए, रिब्यूक माने होता गाली देना, धमकाना, उनको शब्द भी इस तरह से डराने वाले शब्द बोलती रही। नेक्स्ट पैसेज देखिए, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, सायंकाल देख जब घर आ गया दादी के साथ में, शाम के समय में देख कहता मैंने उनमें थोड़ा सा अंतर पाया, परिवर्तन देखा। सी डिड नॉट प्रे, क्या देखा, वो प्रार्थना नहीं करती थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने आस पास की पड़ोस की महिलाओं को एकत्र किया, एक पुराना ढोल लिया और उसको बजाकर गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सेकंड स्किन्स ऑफ द डेलिपिडेटेड ड्रम। एक कहता सेवरल आवर्स, अनेकों घंटों तक उन्होंने उस ढोल पर थाप दी, थाप माने बजाना, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, और जो लोग घर वापस लौट कर आते हैं, वापस लौट कर आने वाले वीरों के लिए गाने गुनगुनाए, गाने सुनाए, गाने गाते रहे। वी हैड टू पर्स्यूएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, देखा कहता हम मीन्स उस घर में रहने वाले सभी लोग या हम और दादी, वी हैड टू परस्यूड हर, हम लोगों ने टू स्टॉप, उन्हें रोकने के लिए, बंद करने के लिए कहा, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि अत्यधिक ऊंचे स्वर में, अत्यधिक तनाव की अवस्था में, अत्यधिक खुशी की अवस्था में, अत्यधिक पागलपन की अवस्था में, अत्यधिक तीव्र आवाज में गुणगान मत करो, गान मत करो, प्रार्थना मत करो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, देखा कहता वो पहला मौका था जब मैंने जाना कि उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। अगले पैराग्राफ में देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, घटना जब हुई अगली सुबह वो बीमार हो गए। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. एक कहता कि उनको बुखार आ गया और चिकित्सक ने बताया कि ठीक हो जाएगा। But my grandmother thought differently, किंतु मेरी दादी माँ की जो सोच थी वो कुछ अलग थी। She told us that her end was near. एक कहता उन्होंने मुझे बताया, हमको बताया कि उनका अंत का समय नजदीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had committed to pray. कहता उन्होंने मुझसे बताया कि उनका अंत का समय नजदीक है, since only a few hours, उनके अंतिम समय में या उनके अंत होने में, उनके देहावसान होने में, स्वर्गवास होने में, मृत्यु होने में कुछ ही घंटे का समय शेष है। शी हैड कमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने हमारे साथ बात करने में अपना ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया। लेखक आगे बताता है, वी प्रोटेस्टेड, हमने
उन्हें रोका, उनको मना किया, बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, किंतु उन्होंने हमारे निवेदन को अस्वीकार कर दिया, इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। हमने जो उनसे कहा उसको उन्होंने सुनवाई नहीं की, ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो बिस्तर पर प्रार्थना करते हुए लेट गई और प्रार्थना करते हुए लेटने के बाद अपने बारे में बताने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। लेखक कहता मैं कुछ उन पर डाउट कर पाता, संदेह कर पाता, कुछ शंका कर पाता, इसके पहले ही उनके होठों ने चलना बंद कर दिया, होठ रुक गए। And the rosary fell from her lifeless fingers, or rosary means, rose means होता गुलाब, गुलाब के पुष्प से या जैसे माला लोग नहीं लेते, उनके हाथों में जो माला थी वो जमीन पर उंगलियों से फिसल कर जमीन पर नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. इतना होने और उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण झलक स्थापित हो गई और मैंने जान लिया। लेकिन कहता मैंने जान लिया उनके चेहरे को देखकर, उनके इस एक्शन को देखकर, होठों के ना हिलना और हाथों से माला के गिर जाने के बाद मैंने जान लिया कि बच गई। We lifted her off the bed and as it customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। लेकिन कहता है इसके पश्चात, थोड़ा ध्यान दें, मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को उसकी सैया से नीचे लिटा दिया जाता है। अगर किसी के सामने ऐसा दृश्य हो रहा होता तो उससे बिफोर, तो लेखक के यहां लेखक ने जब महसूस कर लिया कि उसकी दादी की डेथ हो चुकी है, लेखक कहता है कि हमने लिफ्टेड हर ऑफ, उन्हें बिस्तर से नीचे उतार लिया। एंड एज इट कस्टमरी, और जैसा कि रीत रिवाज था, कस्टम मीन्स रीत रिवाज, रीत रिवाज के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, श्राउड मीन्स कफन। लेकर कहता है और उनके ऊपर एक लाल रंग का कफन ढक दिया। कफन जानते हैं, मृत्यु के पश्चात शरीर को ढकने वाला कपड़ा होता कफन। तो लेखक कहता है कि उनको बिस्तर से उठाने के बाद जमीन पर लिटा दिया गया जैसा कि रीति रिवाज में था, और उन पर लाल रंग का कपड़ा ढक दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। लेखक कहता आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, फ्यू मीन्स कुछ, आवर्स मीन्स घंटे, मॉर्न माने होता है विलाप करना, मॉर्निंग मीन्स विलाप करना, विलाप करना जानते हैं, दुख के कारण फूट फूट कर रोना। लेकिन कहता है कुछ घंटों तक
विलाप करने के पश्चात हम लोगों ने उन्हें अकेले छोड़ दिया टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए, व्यवस्था में जुट गए। फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार। In the evening, we went to her room. सायंकाल के समय हम उनके कमरे में गए। हम means family persons, लेखक के परिवार। With a crude stretcher to take her to be cremated. क्या लेकर गए? उनके रूम में एक स्ट्रेचर लेकर गए जिस पर उनके बॉडी को रखना था और उस पर रख के अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रूड स्ट्रेचर। अंतिम संस्कार के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्ट्रेचर। The sun was setting, आगे लेखक बताता है कि ये करने के पश्चात उस समय जब सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्य का सायंकाल का समय होने वाला था। And had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सॉरी, इसके पहले देखिए, लेखक कहता उसके रूम में गए और सायंकाल के समय में उनके रूम की कमरे की लाइट्स ऑन कर दी, प्रकाश फैला दिया उसमें। एंड वेरेंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे में भी ब्लेज मीन्स होता है किरण, तीव्र किरण, सुनहरी तीव्र किरण जो प्रकाश की होती है वो भी बरामदे में आ रही थी। सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्यास्त के समय पर हर घर में प्रकाश फैलाया जाता है, प्रकाश प्रकाशित किया जाता है। वही लेखक के घर में भी किया गया। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, लेखक कहता है कि हम बरामदे के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शॉल, लेखक कहता पूरे बरामदे में और जहां पर उनके कमरे में जहां पर उनका मृत शरीर लेटा हुआ था या जहां पर वो मृत अवस्था में लेटी हुई थी, स्टिफ रैप्ड इन द रेड शॉल, उस जगह को पूरा लाल कफन से ढक दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, घटना घटी लेखक बताता है हजारों गौरैया नामक पक्षी, हजारों चिड़िया, हजारों की संख्या चिड़िया उसी फर्श पर आकर बैठ गई। देर वॉज नो चिरपिंग, पहले के समय में जब उनकी दादी जीवित थी उस समय क्या होता था कि जब वो भोजन के लिए चिड़ियों को भोजन कराती थी तो चहचहाट बहुत होती थी, चिड़ियों का शोर हुआ करता था। किंतु आज जब उनकी दादी का इंतकाल हो गया, समापन हो गया, स्वर्गवास हो गया, अंत हो गया, हजारों की संख्या में पक्षी आए, हजारों की संख्या में चिड़िया आई और बिना चहचहाट के साथ बैठ गई। लेखक कहता वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माय मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, लेखक कहता मुझे उन पक्षियों को देखकर बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ और मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटियां तोड़कर डाली।
लेकर कहता है कि मेरी माँ ने उन पक्षियों के लिए, उन चिड़ियों के लिए रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने मेरी माँ ने उन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में डाला। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर मेरी माँ चला करती थी, जिस रास्ते पर मेरी माँ डालती थी, सॉरी मेरी दादी माँ डालती थी, एंड थ्रू इट टू देम, उसी रास्ते पर फेंका। कहते मेरी माँ ने भी रोटी के टुकड़ों को छोटा छोटा करके फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, घटना क्या घटी, दादी जब इस तरह से रोटी के टुकड़े फेंकती थी तो गौरैया या चिड़ियां उन टुकड़ों को खाती थी और चहचहाती थी, लेकिन जब मेरी माँ ने उनके माता दादी माँ के अंत के समय अंत होने पर उन गौरैया को, उन पक्षियों को रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डाले, तो द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन पक्षियों ने उन रोटियों के टुकड़े पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, लेखक कहता है जब हम अपनी दादी माँ के शरीर को, दादी माँ की लाश को, कॉर्प्स मीन्स लाश, जब ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांति से उड़ी, चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, सायंकाल के समय ये घटना हुई, तो हम लोग लाश को ले जाने लगे तो सभी पक्षी चुपचाप उड़ गए, किसी ने भी उस भोजन को नहीं किया। अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने सफाई करने के दौरान उन सभी टुकड़ों को साफ करके डस्टबिन में डाला, कूड़ेदान में डाला। ठीक, ये आपका पूरा लेसन था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसमें बताया गया किस तरह लेखक दादी माँ के साथ जुड़ा रहा और लेखक के पढ़ाई के समय के दौरान जब उसको दादी माँ से दूर होना पड़ा तो दादी माँ ने अपने आप को किस तरह से समय काटने के लिए पक्षियों में उलझाए रखा और पक्षियों के बीच में और दादी माँ के बीच में कितना अनन्य प्रेम जागृत हो उठा, ये दादी माँ की मृत्यु के दौरान लेखक को देखने को मिला। ठीक है, अगले वीडियो में आपको आगे की जानकारी दी जाएगी इस वीडियो को सुनने के पश्चात। जिस स्टूडेंट को जो भी चीज समझ में ना आए उससे पर्सनल फोन करके पूछ लें या मैसेज करके पूछ लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।